तो भाइयों के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मई 2024 में आने वाली 15 एंटिसिपेटेड फिल्मों के बारे में जो थिएटर में रिलीज होने वाली हैं। लिस्ट को पूरी तरह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर पहली बार आए हो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों लिस्ट को करते हैं शुरू। नंबर एक पर है द साबरमती रिपोर्ट, विक्रांत मैसी स्टारर। ये एक हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। विक्रांत मैसी के अलावा फिल्म में रशि खन्ना, रिधि डोगरा देखने को मिल जाएंगी और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रंजन चंडेल और फिल्म की कहानी दिखाई जाएगी 2002 में गोधरा में हुए ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट की। और दोस्तों फिल्म में विक्रांत मैसी जर्नलिस्ट की भूमिका में नज़र आने वाले हैं और इस फिल्म को 3 मई को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर दो पर है मिस्टर एंड मिसेज माही, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में आपको राजकुमार राव देखने को मिल जाएंगे, जानवी कपूर देखने को मिल जाएंगी और फिल्म की कहानी होने वाली है मिस्टर धोनी की लाइफ के ऊपर। और इस फिल्म को पहले अप्रैल के महीने में रिलीज़ किया जाने वाला था, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये फिल्म 31 मई को थिएटर्स में रिलीज़ की जाएगी। और दोस्तों बेबी जॉन फिल्म को अब पोस्टपोन कर दिया गया है, वो फिल्म आपको जून के महीने में देखने को मिल जाएगी। नंबर तीन पर है भैया जी, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज ड्रामा मिस्ट्री फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में मनोज बाजपेयी देखने को मिल जाएंगे, जतिन गोस्वामी देखने को मिल जाएंगे और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अप्रू सिंह और इस फिल्म को 24 मई को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर चार पर है श्री राजकुमार स्टारर। ये एक हिंदी लैंग्वेज बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। राजकुमार राव के अलावा फिल्म में आलिया इब्राहिम, ज्योतिका देखने को मिल जाएंगी और फिल्म की कहानी होने वाली है श्रीकांत भोला की। और दोस्तों इस फिल्म को 10 मई को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। नंबर पाँच पे है कल्कि 2898 AD, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में आपको प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिलकुर सलमान, दिशा पटानी, कमल हसन और SS राजा मौली भी कैमियो करते नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म पहले 9 मई को रिलीज होने वाली थी, बट इलेक्शन के कारण ये फिल्म 30 मई को रिलीज की जाएगी। अगर ये फिल्म 30 मई को रिलीज नहीं होती है तो फिर इसे और भी डिले कर दिया जाएगा। What is Project K? 6 पर है फूरियोसा ए मेड मैक्स सागा, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में आन्या टेलर जॉय देखने को मिल जाएंगी, क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिल जाएंगे, टॉम बर्क देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म को 24 मई को आईमैक्स पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में इंडिया में रिलीज किया जाएगा। वो मुझे वापस चाहिए। नंबर सात पर है गैंग्स ऑफ गोदावरी, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में विश्वाक सेन देखने को मिल जाएंगे, नेहा शेट्टी, पी साई कुमार देखने को मिल जाएंगे और ये फिल्म कई बार पहले पोस्टपोन्ड हो चुकी है और अब इस फिल्म को 17 मई को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। नंबर आठ पर है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है और ये फिल्म 10 मई को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। आज का दिन शानदार है। नंबर नौ पर है कर्तम भाग्यम, श्रियास तलफड़े स्टारर। ये एक हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म होने वाली है। श्रियास तलफड़े के अलावा फिल्म में विजय राज, मधु शाह देखने को मिल जाएंगी और इस फिल्म को 17 मई को हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेज में थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 10 पर है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ धाम्यन, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन एडवेंचर फैमिली फैंटसी फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में अनुपम
मार्कंडेय देश पांडे यज्ञ भसीन देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म को 24 मई को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 11 पर है सेक्शन 108 जो कि एक हिंदी लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसकी लीड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिल जाएंगे, रगीना क्रासांद्रा आसिफ खान देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म को पहले फरवरी 2024 में रिलीज़ होना था बट पोस्टपोन्ड हो गई, बट अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट निकल के सामने आ चुकी है। इस फिल्म को 25 मई को थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। नंबर 12 पर है जे जट बिगड़ गया जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में लीड कास्ट में जय रंधावा, आदिति शर्मा, निर्मत कौर, करमजीत अनमोल, निर्मल ऋषि देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म को 17 मई को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 13 पर है यार के दो नाम जो कि एक हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी लीड में भाव्या सचदेव, अंकिता शाहू, कनिका गौतम देखने को मिल जाएंगी और इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं रिलायंस स्टूडियो और ये फिल्म 3 मई को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। नंबर 14 पर है शिंदा शिंदा नो पापा जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी लीड में गिप्पी गरेवाल और उनके बेटे शिंदा गरेवाल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में हीना खान देखने को मिल जाएंगी और इस फिल्म को 10 मई को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज किया जाएगा। फिल्मों के अलावा दोस्तों दो और बड़ी फिल्में हैं जो मई के महीने में ही रिलीज होने वाली हैं बट उनकी अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, जिसमें से पहली है थंगलान जिसकी लीड में है विक्रम और दोस्तों इस फिल्म को भी मई के महीने में ही रिलीज किया जाएगा। सेकंड फिल्म है महाराजा जो कि एक तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी लीड में विजय सेतुपति हैं और इस फिल्म 16 मई को थिएटर्स में हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। और दोस्तों इन फिल्मों में से आपको किन किन फिल्मों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल पे पहली बार आए हो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।